नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेशन में। और परमात्मा के बारे में अभी आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ समझा है, और परमात्मा का जो नाम है क्या है, उसके साथ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको अनुभव कैसे किया जा सकता है, वो भी आपने कितनी गहराई में जाना समझा है। तो हमने परमात्मा के बारे में जाना कि परमात्मा का जो असली नाम है वो शिव है, और शिव जो अर्थ होता है वो एक, क्योंकि एक संस्कृत का शब्द है शिव, तो उसका जो अर्थ होता है वो भी बड़ा अच्छा शब्द है, और उसका अर्थ है सदा कल्याणकारी, जो सदा एक पॉइंट है, एक बीज की तरह है, और जो सदा दूसरों का मंगल करता रहता है, सदा दूसरों के जीवन में खुशी लाने का कार्य, सदा सुख देने का जो कार्य करता है, वही शिव है। तो शिव के इस शिव परमात्मा के इस गुण के कारण से ये गुणवाचक नाम उनको दिया गया है। लेकिन हम सभी बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, एक भूल करते हैं। शिव परमात्मा का नाम हमने शंकर जी के साथ जोड़ दिया है। अब ये भूल कैसे हुई? तो जब प्राचीन समय में, हमने बहुत पुराने समय में जब शिव परमात्मा के मंदिरों को बनाया, शिव परमात्मा को याद किया, उस समय की आत्माओं में, उस समय सभी मनुष्यों में ये स्मृति थी कि अगर भगवान कोई है तो वो ज्योति का स्वरूप हो सकता है, प्रकाश का रूप ही हो सकता है। इसलिए जब शिव परमात्मा के सभी प्राचीन मंदिर बने तो उसमें सब जगह शिवलिंग बनाया गया, और ज्योतिर्लिंगम रूप में ही परमात्मा शिव को याद किया गया। तो जब साधु सन्यासी लोग शिव परमात्मा की स्मृति लोगों को दिलाते थे तो वो कहते थे शिव का संग कर, शिव संग कर, शिव संग कर, और ये कहते कहते ये शिव शंकर के साथ हमने उसको जोड़ दिया। तो आज शिव और शंकर को हम एक ही मानते हैं, जबकि राधा और कृष्ण का नाम भी एक साथ लिया जाता है, वो दोनों अलग हैं। राम और सीता जी का नाम भी एक साथ लिया जाता है, वो दोनों अलग हैं। उसी तरीके से शिव शंकर जब कहा जाता है तो वो दोनों भी अलग हैं, वो दोनों भी एक नहीं हैं। तो ये जोड़ियां हैं, तो शिव और शंकर भी एक जोड़ी की तरह है। स्वयं शंकर जी भी शिव परमात्मा को याद करते हैं, उन्हें जो प्राप्ति हो रही है वो भी शिव परमात्मा से हो रही है। आप जब भी शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो आप शिवलिंग को उनके सामने पाएंगे। तो शंकर जी ने जो ये तपस्वी रूप धारण किया है, जो ये पूरा वेशभूषा, जो पूरी एक वेशभूषा जो उन्होंने ली हुई है, वो क्यों ली है, क्यों उन्होंने ये तपस्वी रूप लिया है, वो इसीलिए लिया है क्योंकि उन्होंने एक वैरागी जीवन दिखाया है कि मेरे जीवन में वैराग्य है। क्यों? क्योंकि मैं शिव परमात्मा की आराधना में लीन हूँ, तपस्या में लीन हूँ। तो शंकर जी एक्चुअली में मनुष्य आत्मा की ही तपस्या रूप का एक यादगार है। तो और भी क्या अंतर है शिव परम पिता परमात्मा में और शंकर देवता में, आइए उसको देखते हैं। तो शिव के लिए हम कहते हैं शिव परमात्माए नमः, और शंकर जी के लिए हम कहते हैं शंकर देवताए नमः। हम कभी भी शंकर परमात्माए नमः नहीं कहते। तो शिव परमात्माए नमः, शिव परम पिता परमात्मा है, लेकिन जो शंकर हैं वो आकारी देवता हैं। शिव परमात्मा अशरीरी है, उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन शंकर जी का सूक्ष्म शरीर है, आकारी शरीर है, और आकारी जो दिखाया है उनको, इसका मतलब कभी तो उनका कोई जन्म भी हुआ होगा, कभी तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए होंगे। तो ये एक सूक्ष्म देवता के रूप में उनको दिखाया गया है, लेकिन शिव परमात्मा अशरीरी परमपिता परमात्मा है। फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं शिव परमात्मा जो है वो क्रिएटर है, रचता है, लेकिन शंकर जी जो है वो उनकी रचना है। तो दोनों में ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। फिर हम आगे देखें, शिव परमात्मा जो है वो सदा कल्याणकारी है, हम उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, हम कभी भी सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। तो जहाँ जहाँ शिव यूज़ होता है शब्द, वहाँ कहीं भी शंकर शब्द से हम उसको रिप्लेस नहीं करते। तो शिव परमात्मा सदा सबका भला करने वाले, सदा मंगलकारी परमात्मा है, लेकिन शंकर जी का नाम तो सिर्फ विनाश के साथ ही लिया जाता है, तो उनको विनाशकारी देवता बताया गया है।
उसी के साथ शिव परमात्मा योगेश्वर हैं, वो हैं जो हमको योग करने की शिक्षा देते हैं, उनके साथ हमें योग लगाना है। लेकिन जो शंकर जी हैं उनको तो योगी दिखाया है, वो खुद योग में लीन है, वो खुद शिव परमात्मा को याद कर रहे हैं। उसी तरीके से शिव परमात्मा परम धाम निवासी हैं, उनका जो निवास स्थान है वो इन पांच तत्वों के भी पार परम धाम, जिसको हम निर्वाण धाम भी कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म लोक भी कहते हैं, इसलिए शिव परमात्मा को ही पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन जब शंकर की बात आती है तो शंकर जी तो सूक्ष्म वतन निवासी देवता हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब हम शिव परमात्मा के मंदिर में जाते हैं जहाँ शिवलिंग होता है, तो नित्य हम बहुत सारी चीज़ें शिव परमात्मा के ऊपर अर्पित करते हैं। शिवलिंग के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाते हैं हम शिवलिंग के ऊपर? जैसे हम दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, और उस पानी की ही एक यादगार है कि हमने एक बहुत बड़ा एक वेसल जो है पानी से भर के हम शिव परमात्मा के ऊपर लगा के रखते हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल जो है परमात्मा शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। फिर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके बाद अक के फूल भी चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, क्या हम इनका आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं? कितने वर्षों से हम शिवलिंग के ऊपर ये सारी चीज़ें चढ़ाते आ रहे हैं, क्या अर्थ है इनका? आइए एक एक करके जानते हैं। तो जब हम शिव परमात्मा पर दूध चढ़ाते हैं तो दूध का अर्थ क्या है? दूध जो है सफ़ेद होता है, दूध जो है पवित्र होता है, तो दूध का अर्थ है पवित्रता, दूध का अर्थ है अपने चरित्र को साफ और स्वच्छ बनाना। तो अपने चरित्र को इतना क्लीन रखना, जो सफ़ेद रंग जो उसमें दिखाया है वो किसी चीज़ का प्रतीक है। हमको अपने चरित्र को ऐसा साफ और स्वच्छ बनाना है, ऐसा क्लीन बनाना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपने अंदर शुद्धता को भरना है। तो वो शुद्धता हमें ये शिक्षा सिर्फ शिव परमात्मा ही देते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को अपने चरित्र को ऐसा साफ, ऐसा स्वच्छ बनाओ, ऐसा पावन बनाओ, शुद्ध बनो। तो ये शिक्षा परमात्मा शिव ने हम सभी आत्माओं को दी, लेकिन हमने उस शिक्षा को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन हमने वो सब छोड़ कर के दूध चढ़ाना शिव परमात्मा पर शुरू कर दिया। फिर हमने पानी चढ़ाना शुरू किया, तो पानी का गुण होता है शीतलता, पानी ठंडक देता है। क्या हम एक दूसरे को अपने जीवन में, हमारी कितनी शीतलता है, हम क्या एक दूसरे को शांति का दान दे सकते हैं या खुद भी शांत रह सकते हैं? तो पानी जो चढ़ाना है, तो परमात्मा शिव ने हमें ये संदेश दिया कि हे मानव, तुम अपने अंदर शांति को ग्रहण करो, साइलेंस को ग्रहण करो, अपने जीवन को शांत बनाओ, शीतल बनाओ। तो हमने वो सब भी छोड़ कर के अशांति तो ले ली, लेकिन शिवलिंग को शांत करने के लिए उसके ऊपर पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। तो आज हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, जबकि जल जैसा शीतल, जल जैसा पावन हमें खुद बनना था। और उसी का ही एक प्रतीक जो है, जो एक वेसल है, एक बर्तन है जो उसके ऊपर रखा रहता है, और उसमें से बूंद बूंद जल जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, तो इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? तो जल जो है वो इसलिए चढ़ता है कि हमें श्वासोश्वास शिव परमात्मा को याद करना था। बूंद बूंद का अर्थ है एक एक सांस जो उसके ऊपर अर्पित हो, हमारा जीवन का एक एक समय, एक एक क्षण उसकी याद में बीते। तो वो क्षण भी हम भगवान को नहीं दे पाए, उसकी याद में हम नहीं व्यतीत कर पाए, तो हमने उसका प्रतीक जो है एक जल के रूप में एक बर्तन रख के, उसमें पानी रख के, और उसके ऊपर जल दिखा दिया, और वो बूंद बूंद उसके ऊपर गिर रहा है, हर क्षण उसके ऊपर वो जल गिर रहा है। तो वो अर्पण का प्रतीक है। तो हमें अपने जीवन में परमात्मा की याद के साथ जीवन व्यतीत करना था, लेकिन वो भी हमने नहीं किया। फिर आगे हम शिव परमात्मा के ऊपर अक का फूल चढ़ाते हैं। अक का फूल जो होता है वो जहरीला होता है,
तो कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं हैं जिनके ऊपर कभी ये फूल चढ़ाया जाता हो, लेकिन केवल एक शिवलिंग ही होता है जिसके ऊपर आक का फूल है, क्योंकि एक शिव परमात्मा ही है जो ऐसा फूल स्वीकार कर रहे हैं और कोई फूल नहीं है। क्यों चढ़ाया जाता है आक का फूल, ये जहरीला फूल क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों? क्योंकि शिव परमात्मा ही हैं जो आकर के हमसे हमारी सारी बुराइयां, हमारे सारे विकारों को मांगते हैं। वो विकार, वो बुराइयां जो विष के समान हमें ही खा रही हैं, ऐसा विष जो हम खुद स्वीकार करके आज हम खुद अंदर से खोखले हो चुके हैं, हमारे जीवन में दुख और अशांति का कारण हो चुका है, जिससे हम आत्माएं खुद मूर्छित हो चुकी हैं। तो ऐसे अक के फूल को हम खुद तो स्वीकार नहीं करते, ऐसे जीवन में से ऐसी बुराइयों को निकाल करके वो शिव परमात्मा पर अर्पित करने के बजाय, अपने सारे विकारों को शिव परमात्मा को देने के बजाय, हम अक के जहरीले फूल शिव परमात्मा पर चढ़ा देते हैं कि तुम इसी से प्रसन्न हो जाओ। फिर उसके बाद हम चढ़ाते हैं भांग और धतूरा। भांग और धतूरा जो होता है वो नशीले पदार्थ होते हैं। आज का मनुष्य कितने नशों में अपने आप को लिप्त कर चुका है, दुनिया के अनेकों नशे हैं जो आज हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो कभी कोई नशा है, किसी को पैसा कमाने का नशा है, किसी को शराब पीने का नशा है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने का नशा है, किसी को घूमने का नशा है, किसी को शॉपिंग करने का नशा है, किसी को मोबाइल फ़ोन्स पे पूरे टाइम लगे रहने का नशा है, किसी को इंटरनेट का नशा है, किसी को बातें करने का नशा है। तो दुनिया भर के नशों में हम लीन हैं, हम उसमें अपना समय गंवा रहे हैं। लेकिन ये सारे नशों को छोड़ कर के अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग देना, अपने जीवन को सफल बनाने का काम करना, वो काम हमने नहीं किया। इन नशों को हमें परमात्मा शिव को देना था, उससे अर्पित करना था, पर वो काम हमने नहीं किया। लेकिन उसकी याद में भांग और धतूरे को घोट घोट करके और उसके ऊपर चढ़ाना और फिर खुद भी स्वीकार करना। जब शिवरात्रि होती है तो हम भांग घोट घोट करके पीते हैं, ये सोचते हैं कि ये शिव का प्रसाद है, पर वो प्रसाद नहीं है। परमात्मा शिव तो हमें शिक्षा के देते हैं कि इन सारे नशों को तुम छोड़ो और एक मेरे याद के नशे में रहो। तो उस नशे को हमने छोड़ा नहीं, इन सारी दुनियावी नशों को छोड़ा नहीं, लेकिन भांग और धतूरा ये शिव परमात्मा पर चढ़ाया। फिर उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो बेल पत्र में तीन पत्ते आते हैं, आपने देखा होगा, तो और वो तीनों ही पत्र एक डंडी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तीन पत्तियों वाला एक बेल पत्र ही होता है। तो ये शिव परमात्मा के ऊपर चढ़ाने का अर्थ क्यों है? परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, मतलब यही वो है जो तीन मूर्तियाँ, तीन देवताओं की रचना करते हैं और उन तीन देवताओं के द्वारा एक दिव्य कर्तव्य करते हैं। तो वो त्रिमूर्ति शिव इसलिए हम कहते हैं। तो तीन देवता वो कौन हैं? वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनको हम और भी गहराई से अपने आगे जानेंगे कि वो तीन देवता कौन हैं, परंतु ये तीन देवताओं की रचना भी परमात्मा शिव के द्वारा होती है, उनके द्वारा कर्तव्य भी परमात्मा शिव करते हैं, इसीलिए बेलपत्र हम उनके ऊपर चढ़ाते हैं। फिर शिवलिंग को जब आप देखें तो शिवलिंग के आकार तो अनेक हैं, कोई इसको बहुत बड़ा बना देता है, कोई उसको छोटा बना देता है। जब हम साउथ में जाएं तो साउथ में अनेकों लोग छोटे छोटे से शिवलिंग जो हैं अपने पास रखते हैं, जिनको लिंगाइट्स कहते हैं, और वो छोटे छोटे लिंग अपने पास रखते हैं। तो शिवलिंग का आकार तो कोई कैसा भी बना लेता है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? शिवलिंग को जब आप देखें तो आप उसमें तीन रेखाओं को देखेंगे और उसमें सबसे बीच की रेखा पे एक बिंदु बना हुआ देखेंगे। तो ये बिंदु ही परमात्मा शिव का असली स्वरूप है, ये बिंदु ज्योति का स्वरूप है, यही बिंदु है जिसके साथ हम आत्माओं का कनेक्शन है, यही बिंदु हमारे परम पिता परमात्मा शिव है। तो जैसी आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी बिंदु के समान है। और ये जो तीन रेखाएं बनाई हैं, ये प्रतीक है इस बात का कि परमात्मा शिव जो है त्रिमूर्ति है, तीन देवताओं की रचना करते परमात्मा शिव जो है त्रिलोकी नाथ हैं, जो तीनों लोकों के मालिक हैं,
मृत्यु लोक और निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम और फिर सूक्ष्म लोक। तो ये तीनों लोकों के मालिक भी शिव परम पिता परमात्मा है। और फिर शिव परमात्मा त्रिनेत्री भी हैं, जो हमें तीसरा नेत्र देते हैं, जिसको ज्ञान का नेत्र कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है। कहा जाता है जब ये आँख खुलती है तो सारे विश्व में तबाही होती है। कहा जाता है शंकर का तीसरा नेत्र जब खुलता है, तो तीसरा नेत्र खोलने वाले कौन हैं? वो तीसरा नेत्र खोलने वाले, त्रिनेत्री, त्रिनेत्र देने वाले, तीसरा नेत्र देने वाले परमात्मा शिव हैं। तो इसीलिए ये बताया गया है। अब आप जानना चाहते होंगे कि शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। बड़ी अनोखी सी ये यादगार है जो हम शिवरात्रि मनाते हैं। आप देखते होंगे दुनिया में हर एक व्यक्ति की बर्थडे मनाया जाता है। श्री कृष्ण का भी बर्थडे मनाया जाता है, सबका बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन एक शिव परमात्मा ही है जिनकी बर्थ नाइट मनाई जाती है, शिवरात्रि कहा जाता है उसको। और महाशिवरात्रि के रूप में जब उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों है, क्या रहस्य है शिव परमात्मा की बर्थ नाइट मनाने का? क्यों? क्योंकि परमात्मा शिव ही हैं जो अंधकार में पैदा हुए हैं, अंधकार के समय में जिनका अवतरण हुआ है। लेकिन वो कौन सा अंधकार, वो कौन सी रात है जिसमें उनका अवतरण होता है? तो परमात्मा शिव का अवतरण इस कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार के समय होता है, जब ये कलयुग चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है, अपने अंतिम चरण पे होता है। उस समय परमात्मा शिव ऐसी घनघोर रात में, जहां चारों तरफ हर मनुष्य आत्मा के अंदर अज्ञानता का अंधेरा है, जहां चारों तरफ पापाचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, तो ऐसी दुनिया में आकर के, ऐसी दुनिया में जागरण लाने का काम करते हैं, एक नया सवेरा लाने का काम करते हैं। इसीलिए उनको रात में आना पड़ता है। अगर वो दिन के उजाले में आए, अगर वो ऐसे समय में आए जब सभी आत्माएं सुखी हैं, तो क्या महत्व उनके आने का? तो निश्चय ही परमात्मा का अवतरण तो ऐसे समय पे होना चाहिए ना, जब हम सभी को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। कोई व्यक्ति को जो बहुत काम का व्यक्ति है, आप तभी तो एक्सपेक्ट करते हो ना, याद करते हो जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और तभी सोचते हो कि अभी वो क्यों नहीं आता है। तो परमात्मा शिव अपने टाइम से कभी डिले नहीं करते हैं, एक्यूरेट टाइम पर पहुँचते हैं। तो उनके अवतरण का जो समय है वो भी फिक्स है। तो कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार के समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से पांचों ही विकार रूपी असुरों का संहार करते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, तो परमात्मा शिव आकर के अपने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आप देखते हैं पांचों ही विकारों का किस तरीके से खात्मा कर देते हैं। और आज ये पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनका पूरा वंश आज पूरी सृष्टि के ऊपर फैला हुआ है। और इन पांचों विकारों को समाप्त करना किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये स्वयं ईश्वर का ही कार्य है। तो परमात्मा शिव का ही ये कार्य है कि इन असुरों का संहार करना। इसीलिए हम उनकी यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। तो परमात्मा शिव के कर्तव्यों को अगर हमें देखना है कि परमात्मा ने क्या कर्तव्य किए, तो उसकी अनेकों यादगार हैं, अनेक धर्मों में उसके बारे में बात की गई है। जैसे क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो वहाँ पे होली ट्रिनिटी की बात की गई है, फादर, सन और होली स्पिरिट तीनों मिलकर के वो ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम इस्लाम धर्म में देखें, तो इस्लाम धर्म में चार फरिश्ते दिखाए गए हैं कि अल्लाह के चार फरिश्ते हैं जो अल्लाह का काम करते हैं, जिसमें जिब्राइल, इज़राइल और इसराफिल और मिकेल। तो ये जो चार फरिश्ते हैं, इनके द्वारा काम कर्तव्य परमात्मा का दिखाया गया है। जहाँ पर जिब्राइल को दिखाया है कि वो अवेकनिंग का कार्य करते हैं, ज्ञान देने का कार्य करते हैं, वहीं मलाकुल अर्थात इज़राइल को एंजल ऑफ डेथ दिखाया गया है।
और उसी तरीके से इसराफिल को कहा गया है कि वो रिसरेक्शन का कार्य कर रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर ये जागृति लेके आ रहे हैं कि डे ऑफ जजमेंट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, कयामत का समय बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो उसका बिगुल बजा रहे हैं कि अब जागने का समय है। उसी तरीके से मिकाइल को जो दिखाया गया है वो पालना की तरफ दिखाया गया है कि वो रेन्स को लेके आना, सीजन्स को बदलना, तो मनुष्य सृष्टि को पालना करने का कार्य जो है वो मिकाइल के द्वारा हो रहा है। तो ये चार फरिश्ते जो हैं अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो जब शिव परमात्मा की हम बात करते हैं, शिव परमात्मा अपना यही दिव्य कर्तव्य जो है, जैसे अनेक धर्मों में उसके अलग अलग रूप में बताया गया है, तो हिंदू धर्म में उसी कर्तव्य को तीन देवताओं के द्वारा बताया गया है, जिसमें से पहले देवता हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है कि सृष्टि के सृजन करने का कार्य, सृष्टि की स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा किया गया, और फिर उसके बाद सृष्टि की पालना का जो कार्य है वो विष्णु के द्वारा किया गया, और उसके बाद जो सृष्टि के विनाश का कार्य है वो है शंकर द्वारा किया गया, और इसके कारण से परमात्मा का जो नाम है वो GOD अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये तीन चीज़ें, जनरेटर अर्थात स्थापनकर्ता, ऑपरेटर अर्थात पालनकर्ता, डिस्ट्रॉयर अर्थात विनाशकर्ता। तो ये जो कर्तव्य है परमात्मा शिव, जनरेशन का कार्य, ऑपरेशन का कार्य और डिस्ट्रक्शन का कार्य, इस कर्तव्य को हमें बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है कि जनरेशन परमात्मा कब करेंगे, किस समय पे आकर के स्थापना का कार्य होना है, फिर विनाश का कार्य कौन सी चीज़ का विनाश होना है, पालना का कार्य कब शुरू होगा और किसकी पालना करनी है। तो ज़रा खुद से सोचिए कि जब ये सृष्टि जो है इस हालत में पहुंच जाती है कि इसमें कोई आश नहीं बची होती, आज हर मनुष्य होपलेस हो चुका है, आज हर मनुष्य ये खुद भी सोच रहा है, खुद भी देख रहा है कि ये सृष्टि जो है अब जीने लायक नहीं बची है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग भी इस दुनिया को छोड़ कर के दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज पृथ्वी की हालत को देख करके हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए देख रहे हैं कि कुछ भी बचा नहीं है, ना रिसोर्सेज बचे हैं ना कुछ। तो ऐसे समय पे जब इतना भ्रष्टाचार है, इतना पापाचार है, हर मनुष्य के अंदर पांच विकार घर करके बैठे हैं, और ये सारी मनुष्य सृष्टि एक रावण की लंका जैसी बन गई है, हर मनुष्य के घर में दुख और अशांति भरती जा रही है, हम सब भगवान को याद करते हैं और हम सब उसको पुकार रहे हैं, केवल एक धर्म के नहीं हर धर्म का व्यक्ति आज उसको पुकार रहा है। तो ऐसे समय में ही तो परमात्मा का अवतरण होना चाहिए। तो वो अवतरण कैसे हो, किसके माध्यम से, और वो अवतरण क्यों हो? तो परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो सृष्टि की, नई सृष्टि की सृजन करने का, नई सृष्टि की स्थापन करने का कार्य करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जो है वो परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि के ही एक व्यक्ति को आधार बनाते हैं। जैसे हमने जाना कि शिव परमात्मा जो है वो अजन्मा है, वो कभी भी जन्म लेकर के ये कार्य नहीं कर सकता, माँ के गर्भ से पैदा नहीं हो सकता, लेकिन वो परकाया प्रवेश करते हैं, एक मनुष्य के शरीर का आधार लेके उसके मुख के द्वारा ये सारा ज्ञान जो हम सुन रहे हैं ये उन्होंने हमें दिया है, और वो इस नई सृष्टि की सृजन का कार्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो जब हम ब्रह्मा की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों तक में ये बात लिखी है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का की स्थापना की, सृष्टि का सृजन किया, तो उनके मुख से अनेकों लोगों का जन्म हुआ, अनेकों लोग पैदा हुए। भला कोई मुख से पैदा होता है? लेकिन मुख से संतान को पैदा करने का अर्थ क्या है? कि जब हम किसी को कोई नई बात सुनाते हैं, कोई ज्ञान की बात सुनाते हैं और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, वो बदल जाता है, वो व्यक्ति चेंज हो जाता है, तो एक तरीके से उसका एक नया जन्म होता है। उसी तरीके से परमात्मा शिव भी जब किसी जिस मनुष्य के का आधार लेकर के ये सारी ज्ञान, ये सारा ज्ञान हमको देते हैं, तो वो आत्माएं जो परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनका एक नया जन्म हो जाता है। तो ऐसे सृष्टि सृजन का कार्य ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव करा रहे हैं। फिर ब्रह्मा को हम जो दिखाते हैं कमल आसन के ऊपर दिखाते हैं,
क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा का जो जीवन है ना, क्योंकि कमल का जो एक क्वालिटी है, आपने देखा होगा कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, कभी भी कमल जो है कीचड़ को छूता नहीं है, कीचड़ के ऊपर रहता है। और कीचड़ में खिलने वाले कमल को देख करके हम सब कितने खुश होते हैं, लेकिन हम कीचड़ को नहीं देख रहे होते हैं, हम सिर्फ कमल को देख रहे होते हैं। उसी तरीके से ब्रह्मा जो कमल आसन पे विराजित है, इसका मतलब है कि ब्रह्मा इसी सृष्टि का ही कोई मनुष्य है, क्योंकि ये सारी सृष्टि आज कीचड़ की तरह बन चुकी है। तो ऐसी सृष्टि में रह कर के भी जो मानव अपने आप को पवित्र रह सके, अपने आप को पवित्र रख सके, अपने आप को उठा सके, श्रेष्ठ रख सके, उत्तम रख सके, तो ऐसा जीवन जिसने बनाया वो है ब्रह्मा। और ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा जिसने जिसको दी वो है ब्रह्मा। तो इसलिए ब्रह्मा को कमल आसन पे दिखाया गया है। फिर ब्रह्मा के हाथ में अनेकों शास्त्र स्क्रिप्चर्स दिखाए हैं, वेद पुराण दिखाए हैं। उनका रहस्य क्या है? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ही सारे वेदों शास्त्र पुराण सभी का सार हमको सुनाते हैं, सभी का एसेंस हमें बताते हैं, इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में ये दिखाया है। फिर ब्रह्मा के चार मुख दिखाए हैं, तो उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जो है वो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, जो परमात्मा शिव ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं, वो चारों ही दिशाओं में फैलता है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, चारों ही दिशाओं में वो ज्ञान जाता है, हर व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचता है, पूरे संसार में फैलता है। तो इसीलिए वो चार मुख दिखाए गए हैं। फिर बात आती है जब जहाँ परमात्मा शिव का ये जनरेशन का कार्य, स्थापना का कार्य चल रहा होता है, तब साथ साथ तपस्या से, योग बल से इस सृष्टि के विनाश का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। तो शंकर के द्वारा विनाश अर्थात जो तपस्वी रूप दिखाया है कि ये सृष्टि का जो विनाश है योग बल के आधार से होगा। ये सृष्टि जो है, जैसे जैसे हम अपनी तपस्या को बढ़ाते जाएंगे तो सृष्टि का जो विनाश होगा धीरे धीरे वो भी साथ साथ चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम विष्णु जी की बात करें तो विष्णु जी को आप देख रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, शंकर जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन विष्णु जी खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? उनको बैठा हुआ क्यों नहीं दिखाया है? जब त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं तो हमेशा विष्णु जी को खड़ा हुआ दिखाते हैं, उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या मीनिंग है? तो विष्णु जी खड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि अब तक वो कार्य शुरू नहीं हुआ है, अभी वो पेंडिंग है। ये एक विजन है और विजन हमेशा खड़ा हुआ रहता है। विजन जो चीज़ हमने अभी तक पाई नहीं है, जो चीज़ हमें पानी है, तो उस चीज़ की तरफ जो आपका लक्ष्य है वो हमेशा आप उसकी तरफ देखते रहते हो। तो विष्णु जी के पालना का जो कार्य है वो अभी नई सृष्टि जब बन जाएगी तब शुरू होगा। तो इसलिए हमारा जो विजन है वो ये है कि मनुष्य सृष्टि ऐसी हो जहाँ नर ऐसी करनी करे जो वो नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो वो लक्ष्मी कहलाए। तो इसलिए जो विष्णु है वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। अदरवाइज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके चार हाथ हो। आज एक मनुष्य की एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो जाए तो आप उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ तो हम चार हाथ दिखा रहे हैं। किसी के चार हाथ दिखाने का मतलब ये है कि उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये उसके गुण हैं। तो विष्णु जी तो ऊपर से लेके नीचे तक किसी चीज़ का प्रतीक है। तो चार हाथों में चार अलंकार दिए हुए हैं। तो एक एक अलंकार का मीनिंग क्या है? तो जैसे उनके हाथ में गदा है, तो गदा जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? जैसे कि आज एक व्यक्ति अपने पास तलवार रखता है या अपने पास डंडा रखता है या बंदूक रखता है, तो किस लिए रखता है? अपनी सुरक्षा करने के लिए रखता है, स्वयं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखता है। तो विष्णु जी ने अपने पास गदा क्यों रखी हुई है? उन्हें किस बात से डर है जो वो गदा रख के घूम रहे हैं? क्या उन्हें कोई खतरा है किसी से? नहीं। ये प्रतीक है कि हम आत्माएं अगर ज्ञान की गदा अपने पास रखें सदा, ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम अपनी बुद्धि के अंदर रखें, तो हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा खतरा हमें हमारी ही वीकनेसेस का है जो हमें कमज़ोर बना देती हैं।
कोई भी क्षण में आकर के हमारी कमजोरियां बाहर आ जाती हैं और वो हमसे कोई ना कोई गलत काम करा देती है। तो यही काम, यही चीज़ें हम अपने अंदर बदलते जाएं, तो ऐसी ज्ञान की गदा को चलाओ कि अपनी वीकनेसेस के ऊपर विजय पाओ। तो ज्ञान की गदा को सदा अपने साथ रखिए। फिर दूसरा जो प्रतीक है वो है स्वदर्शन चक्र। तो स्वदर्शन चक्र क्या है? क्या स्वदर्शन चक्र गला काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जबकि हम विष्णु जी को तो संपूर्ण अहिंसक कहते हैं, उन्होंने किसी का गला काट के किसी कोई हिंसा नहीं की है, किसी को मारा नहीं है। ऐसी हिंसा करने वाले को तो हम क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन कौन सा चक्र चलाया, ये कौन सा चक्र है? उसका नाम ही है स्वदर्शन चक्र। स्वयं का दर्शन करना कि मैं हूँ कौन, इस सृष्टि नाटक में मेरा रोल क्या है, मैं क्या हूँ, किस दर्जे की आत्मा हूँ, क्या मेरा मेरा आध्यात्मिक नाम क्या है, मेरा परिचय क्या है, अपने आप को जानना। तो जितना हम खुद को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो आप धीरे धीरे करके अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो आज हम अपने अंदर ग्रो कर चुके हैं, जैसे कि हमारा अभिमान, अपने अभिमान का गला काट दीजिए। जैसे कि अपमान की भावना, कि मेरा अपमान किया गया, उस भावनाओं का भी गला काट दीजिए। तो ऐसे घमंड है, ईर्ष्या है, तो ऐसे कितनी सारी चीज़ों के साथ हम अपने आप को जोड़ के रखते हैं। तो सबसे पहले जब हम खुद का दर्शन करें कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो ना तो मुझे अभिमान आ सकता है शरीर से जुड़ा या किसी चीज़ से जुड़ा, ना ही अपमान की फीलिंग आ सकती है, ना ही ईर्ष्या हो सकती है किसी से, ना ही घमंड हो सकता है किसी बात का। तो ये सारी चीज़ों का गला काट दे तो स्वयं स्वदर्शन हो गया। तो स्वदर्शन चक्र फिराना। फिर जो तीसरा है अलंकार, वो है शंख। तो शंख क्यों चलाया, शंख क्यों बजाया? शंख जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो लोग शंख बजाते हैं। तो शंख ध्वनि बड़ी शुभ मानी जाती है। क्या हमारा ये जो कंठ है ये शंख के समान नहीं है? इसमें से भी तो वाणी निकलती है, जैसे शंख में से वाणी निकलती है। तो आज मनुष्य अपने जीवन में बोली की गोली चलाता है। हम अपने मुख से कितने लोगों को कैसे कैसे अपशब्द बोल करके उनको घायल कर देते हैं, उनको दुख देते हैं। दुनिया में जो गोली चला करके किसी को हानि पहुंचाए तो वो भी शायद ठीक हो सकती है, लेकिन बोली की गोली चलाई हुई सारी उम्र याद रहती है कि फलाने व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था, मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो हमेशा उसे दुख देती रहती है। तो ऐसे शब्द अपने मुख से निकालो जो दूसरे के जीवन में सुख लेकर के आए, शांति लेकर के आए। तो सब आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने का ये जो कार्य है, और अपने मुख से हमेशा मीठे बोल बोलने का जो ये प्रक्रिया है, इसी को शंख ध्वनि करना कहा जाता है। फिर जो लास्ट है, उनके एक हाथ में कमल दिखाया गया है। तो कमल वही हमारा गृहस्थ जीवन ऐसा पवित्रता से भरा हुआ हो, अनासक्त हो, हम नष्टो मुहा बन के रहे। क्योंकि कमल को भी जब उसका प्रतीक एक और क्या है, कीचड़ में भले ही वो रहता है लेकिन वो परिवार के साथ ही रहता है। कीचड़ के नीचे कमल का सारा परिवार होता है। तो ऐसे परिवार में ही रहना है, लेकिन अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, जहाँ पर हर मनुष्य ऐसा काम कर रहा है जो श्रेष्ठ है। अच्छा कर, अच्छे काम कीजिए, अच्छे शुभ कर्म कीजिए, तो आपका जीवन भी विष्णु के समान बन जाएगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक जो विष्णु जी को हमने दिखाया है, वो हमारा लक्ष्य है कि हम विष्णु के समान बने। और जब हम ऐसे बन जाएंगे, इन अलंकारों को जब हम धारण करेंगे, तो परमात्मा शिव जो है हमें ये जो रत्न जड़ित ताज है, ये जो वैजंती माला है, इससे सुशोभित करेंगे। और नई दुनिया के लिए ये एक नई शुरुआत होगी, और हम ऐसी दुनिया में देवता बनकर के, एक श्रेष्ठ मानव बनकर के जन्म ले सकते हैं, जब यही पालना का कार्य जो है विष्णु जी का परमात्मा शिव जो है कराते हैं। तो आज हमने ये जो तीन देवताएं हैं इनके बारे में बहुत गहराई से जाना समझा। तो आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा शिव की स्मृति में बैठे और अपना खुद का आत्मविश्लेषण करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, और समझें कि
कि मेरा क्या रोल है। अपना ध्यान चारों तरफ से निकाल करके पुनः भ्रकुटी के बीच में लेके जाएं। अपने आप को एक चैतन्य शक्ति के रूप में देखें, अति सूक्ष्म में आत्मा इस भ्रकुटी में एक चमकते सितारे के समान विद्यमान हो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। मुझ आत्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य को भी जाना है और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को जाना है। कितना मीठा संबंध है मेरा शिव परमात्मा के साथ। वो मेरे पिता है, मेरे शिक्षक है, मेरे गुरु है। कितनी शिक्षाएं, कितनी बातें मुझे उनके विषय में और इस संसार के विषय में पता चल रही है। मैं आत्मा अज्ञानता के अंधेरे में कहीं खो गई थी। इस संसार को सच समझकर, रियलिटी समझकर चल रही थी। परंतु इस संसार में तो सिर्फ दुख ही दुख है। परमात्मा शिव ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि मैं अपने जीवन को पुनः सुखी बना सकती हूँ, आनंदमय बना सकती हूँ। मेरे हर कर्म से मैं आत्मा यही संदेश दे रही हूँ कि परमात्मा शिव जो है इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। मैं आत्मा इस आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने जीवन को कमल पुष्प समान बना रही हूं। श्रेष्ठ बना रही हूं, पवित्र बना रही हूं। मुझ आत्मा ने स्वयं का दर्शन कर अपने आप को जाना है। कितनी बातें जो मुझे घेर रखी थी, उन सभी बातों से मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूँ। अब मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता।
ऊपर से भी आवाज आ रही है ना, अब मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं आत्मा सदा खुश रहूंगी, खुशी आनंद और सुख मेरे निजी संस्कार है, मेरे निजी गुण है। मैं हमेशा इस मुख के द्वारा भी कोई अपशब्द नहीं कहूंगी, हमेशा हर कर्म सत्कर्म के रूप में करूंगी। इस शरीर का भी सदुपयोग करूंगी। मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं मुझे दी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।